नमस्कार, बहुत ही टाइम से मेरे पंचम होल के ऊपर काफ़ी जिज्ञासा है लोगों में, और उन्होंने मुझसे पूछा है कि पंचम होल के बारे में और उसके उसके बांसुरी के पोजीशन के बारे में भी पूछा है। तो आज के वीडियो में मैं पंचम होल कैसे बनाना है इस बारे में कुछ बताऊंगा बातें, और अगले वीडियो में उसका यूसेज और एप्लीकेशन के बारे में कुछ बात होगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक नुकीला सा एक मैंने यहाँ पे एक स्टार स्क्रूड्राइवर लिया है, नुकीला सा एक स्टार स्क्रूड्राइवर टाइप, मतलब या कील भी मिल जाए, लंबा वाला चाहिए, लेकिन क्योंकि उसका कारण मैं बताता हूँ। और इस चीज़ को रेड हॉट करना है, इसको गर्म करना पड़ेगा आग में। तो मैं अभी ये शुरू कर रहा हूँ। कैंडल इज़ अ रॉन्ग चॉइस बिकॉज इससे बहुत लेट होता है, बट अपने पास आज यही साधन है। अच्छा, ये गर्म करने के पहले एक और चीज़ है, मार्कर था अपने पास, छोटा वाला मार्कर। सो इसमें मेजरमेंट, एक अंदाजे से मेजरमेंट जहाँ तक मुझे सक्सेस मिला है उसमें, ये जो यार लेफ्ट हैंडर ना, या ओके आई गॉट इट। सो लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर के बारे में भी वील टॉक अबाउट इट। सो ये डिस्टेंस है सेंटर ऑफ दिस होल टू सेंटर ऑफ दिस होल। नाउ द सेम डिस्टेंस नीड्स टू गो वन मोर अप, और यहाँ पे मैं हल्का सा एक मार्कर मार ही लेता हूँ। पेंसिल होता तो सब आउट हियर। अब इसमें आप लेफ्ट हैंडेड हो तो आप यूं पकड़ोगे तो थंब इसके बिल्कुल नीचे से बाहर की तरफ जाएगा, और मैं राइट हैंडेड हूँ तो यूं पकड़ूंगा तो थंब के बिल्कुल इस तरफ बाहर की तरफ, इस लाइन पे, इस ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस पे, या इस तरफ या उस तरफ होल बनेगा। नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना टेक इट टू दिस साइड एंड टेक अ स्ट्रेटेजिक पोजीशन एंड मेक अ लाइन फॉर दिस पोजीशन। नाउ आई ऑलरेडी हैव अ लाइन हियर। नाउ आई विल टेक अ स्केल एंड ब्रिंग the circumference to that line, it's somewhere along the this dot. So this is, there's a precise way of doing it, but wo scale use karke nahi hone wala hai. So about this distance from here to here, yeah, from this distance, center of second hole to center of first hole, go up, should be the top of your hole. तो मैंने क्या किया, अंदाजे से थोड़ा नीचे रखा है, क्योंकि ये ज़्यादा ऊपर हो जाएगा तो भी मुश्किल है, क्योंकि शार्प बच सकता है पंचम। तो हमको उसको फ्लैट शुरू करेंगे, और फिर अगर उसको होल को बड़ा करना हो तो बड़ा कर सकते हैं हम। अब मैं इसको गर्म करके, इसको थोड़ा टाइम जाएगा। सो बेसिकली कैंडल से तो हो नहीं रहा था, तो हमने सोचा कि यहाँ पे चूल्हा है, तो चूल्हे के आग में उसको हम गर्म करेंगे। पर इसमें ज़रा आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि आग है तो आग के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए, और हो सके उतना आप लंबा, अगर आपको स्टेनलेस स्टील का या आयरन का भी मिलता है, खाना पक रहा है जैसे कि आप सुन सकते हैं, तो वो इजी पड़ेगा, क्योंकि वो गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। फिर जब तक कि वो लाल गर्म नहीं हो, रेड हॉट, तब तक वो उसमें, जैसे आपने पहले देखा, वो ठीक से छेद नहीं कर पाता बाम्बू के अंदर। करुण बगू, तो अभी ये जो बेसिक होल हुआ है, इसको मैं पिचिंग के साथ चेक करूँगा कि ये कितना पंचम के नज़दीक है। ये जो आपको पीछे आवाज़ सुनाई दे रही है, वो भाई साहब चूल्हा
चूल्हे में आग दे रहे हैं, बट मैंने जब पहला पहला नया नया बांसुरी बजाना शुरू किया था तो ऐसी ही आवाज़ आ रही थी मेरी। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, गर्म हो सकता है, इसको थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, क्योंकि मैं राइट हैंडर हूँ, मैं थोड़ा सा कोशिश करके इसको बंद करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट द होल पॉइंट इज़ टू जस्ट प्ले सा एंड पा, तो मैं इसको थोड़ा नया टेक्निक से बजाने की कोशिश। Almost there. This can be a slightly more bigger hole. Yeah. थोड़ा याला अजून मोठा करू शकतो आपण. झालं लाल? So मैं इसको हल्का ऊपर की तरफ towards the blowing hole इसको मैं extend कर रहा हूँ, होल को थोड़ा बड़ा करने के लिए। ध्यान रहे, ज्यादा बड़ा हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऑपरेशन सक्सेसफुल। सो ये पंचम होल बनाने का तरीका हुआ। इसके बाद इसमें एक और प्रोसेस है कि ये जो काला पड़ चुका है, इसको सूट कहते हैं हम इंग्लिश में, इसको हमें साफ़ करना है, तो उससे भी थोड़ा सा और एकदम कण में सुर का बदलाव होगा। वो साफ़ करने के लिए सैंड पेपर, थिन गेज का सैंड पेपर छोटा सा, उसको रोल करके उस पर हम सैंडिंग करेंगे, ताकि वो उसका जो काला जो पड़ चुका है, अगर नहीं भी किया तो भी ठीक है, लेकिन हल्का सा बेसिक करना अच्छा लगता है, लुक के लिए भी अच्छा लगता है, और बजाते वक्त आपको स्किन में इरिटेशन नहीं होगा उस राख का। एक बहुत ज़रूरी बात है, जैसे मैं इसको मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये जो पंचम का जो होल का जो सिस्टम है, ये आया है वेस्टर्न म्यूज़िक के रिकॉर्डर से। रिकॉर्डर इंस्ट्रूमेंट है जो ऐसे वर्टिकली सीधी बजती है, और उसमें पंचम का होल, उसको ऑक्टेव होल भी कहते हैं, जो फंक्शन बांसुरी में नहीं होता। ऑक्टेव बजाते वक्त उसका एक अलग टेक्निक होता है, बट उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित मेरे गुरुजी पंडित वेंकटेश गोडखिंडी जी ने ये पंचम का होल इंट्रोड्यूस किया था। और इसके पीछे लॉजिक बहुत सिंपल है, सा रे गा मा, तो पा तो और एक इसके ऊपर अगर होल होता तो वो पा होता, लेकिन हमारे उंगलियों की जो उनका जो पोजीशनिंग है और जिस तरीके से हमारा रखाव होता है बांसुरी पर, उसमें पंचम का होल ऊपर से बजाना मुश्किल हो जाएगा। बट फिज़िक्स और कॉमन सेंस ये कहता है कि क्योंकि ये सिलेंड्रिकल है, समझ लीजिए इसमें कोई भी होल नहीं बना होता, तो उसमें जो पहला होल बना होता तो इसमें कहीं पे भी बन जाता था, वो तो चॉइस की बात थी। तो उसमें ये सर्कमफ्रेंशियली आप कहीं पर भी वो होल बना सकते हो, तो हम एर्गोनॉमिकली कहते हैं कि वो जो उसे बॉडी का जो शेप है उसके हिसाब से उसका रखाव, क्योंकि जिनकी बांसुरी है वो लेफ्ट हैंडेड है, मैंने उसको लेफ्ट हैंडेड पोजिशन के हिसाब से सामने की तरफ बनाया है। अब ये पोजिशनिंग में अंगूठा बहुत आसानी से बैठता है, और जैसे पहले वीडियो में हाउ टू होल्ड करेक्ट वे टू होल्ड बांसुरी में मैंने बताया था कि हाथ का खुला होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्लूट पकड़ने में अगर बजाने की उंगली अगर उसमें व्यस्त हो जाए तो बजाने में तकलीफ होगी। तो जो एक उंगली यहाँ की जो छोटी उंगली है और ये दो उंगलियाँ हैं, ये तीनों उंगलियाँ बजती नहीं हैं, मतलब इसमें किसी भी होल के ऊपर इनका पोजिशन नहीं होता, ये बाकी हाथ खुल जाता है बजाने के लिए। सो दैट इज़ द होल आइडिया बिहाइंड इट। अब मेरे हाथ में ये छोटे गेज का सैंड पेपर आया है, इसको हम सैंडिंग करेंगे। ये आप अगर अपने बांसुरी पर ट्राई कर रहे हैं तो पहले कुछ ट्रायल्स हो सके तो कम महंगी बांसुरियों पे ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अगर आप गलत हो गए तो फिर उसका ट्यूनिंग पूरी तरह हमेशा के लिए बिगड़ जाएगा, इस बात का डर है। तो उस वजह से आप प्लीज़ डायरेक्टली आपके महंगी वाली बांसुरी पर ट्राई ना करें, तो ये मेरी सलाह है, बाकी आपका चॉइस है, बट दैट इज़ आइडियली हाउ इट शुड बी डन। काफ़ी थिक हो गया ना ऐसे होल के लिए। सो ट्राई इट ऑन अ फ्लूट जहाँ पे आप अगर सुर बिगड़ भी जाए तो आप यू कैन अफोर्ड टू कीप इट ऑन द साइड।
वर्स्ट केस सिनेरियो, आप तो अभी पंचम के बगैर बजाते ही हैं, आप उस होल को टेप या कुछ करके बंद करके आप अपने नॉर्मल तरीके से आप उसको बजा सकते हैं। अब मैं कोशिश करके ये अगर अंदर घुस जाए तो आसानी बात है। थोड़े मेहनत का काम है पर जब हो जाए तो बहुत ही अच्छा बजेगा। लकीली सुरीला बज रहा है तो पंचम अपना और इसको ऊपर से भी पिंटिया ने हमारे लिए पहले आलाप छेड़ दिया है। मैं लेफ्टी नहीं हूँ तो मैं मेरे दोस्त राहुल जी को ये बांसुरी देता हूँ और मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि कुछ मध्यम पंचम के जस्ट प्ले गामा पा, डोंट वरी अबाउट द रेस्ट ऑफ इट। योर इसमें शुरुआत की कुछ दिक्कतें हैं, जैसे आपने अभी देखा कि इन्होंने कभी पंचम का होल इस्तेमाल नहीं किया और उसमें सबसे पहले तो उनके अंगूठे के पोजीशनिंग का नेचुरल जो पोजीशन होता है फ्लूट के ऊपर उसका उसके ऊपर असर पड़ा। सेकेंडली उसकी एक आदत पड़नी चाहिए धीरे धीरे, जिसकी आदत नहीं होती हमें, बेसिकली दैट रिपीटिंग द सेम पॉइंट इन अ डिफरेंट एंगल, बिकॉज उसकी जब आदत पड़ती है उसके बाद जो प्लेइंग में पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं उससे हमारे सोच में भी बहुत ज़्यादा बढ़त होती है, क्योंकि हम नई चीज़ें सोच पाते हैं इस चक्कर में मध्यम पंचम के यूसेज से। और दूसरी बात, चूँकि बिफोर यूजिंग पंचम होल हमें अंगूठे के मदद से बाकी उंगलियों के रखाव की जगह का एक अंदाज़ा हो चुका होता है, अब अंगूठा भी निकल गया तो पूरा हाथ आपका बांसुरी से बाहर निकल गया, तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जब वापस हाथ आता है तो उसी जगह पे आना चाहिए। और मैं राहुल जी का इंट्रोडक्शन भी कराऊंगा यहाँ पे कि राहुल कुलकर्णी जी ने यहाँ कोंकण में, महाराष्ट्र के कोंकण में रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में फुणगुस नाम का विलेज है उसके पास स्वर्ग बनाया है और मैं यहाँ पिछले 2-3 दिनों से स्वर्गवासी तो नहीं कह सकता लेकिन स्वर्ग में रह रहा हूँ। बट ही इज़ डूइंग समथिंग वेरी रेवोल्यूशनरी फॉर आवर इकोसिस्टम, फॉर आवर इकोलॉजी, फॉर फ्यूचर्स टू कम एंड लर्न। बहुत सारी चीज़ें यहाँ सीखने को मिली हैं मुझे और इन रिटर्न मैं थोड़ा सा जो मैंने मेरी ज़िंदगी में
पाया है उसे मैं उनसे बांट के वापस जा रहा हूँ। तो इस जगह के बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, उसको मैं डालूंगा, अलग से अपलोड करूंगा। बट बहरहाल यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं बारिश हो रही है, जंगलों के बीचों बीच हम किसी जगह पे हैं जहाँ पे नेटवर्क नहीं है और एक बहुत ही खूबसूरत आंगन में बैठे हैं हम। और सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, राहुल जी बांसुरी के शौकीन हैं और उनके पास ये बांसुरी थी, तो उन्होंने कहा कि ये पंचम होल मुझे ट्राई करना है। तो मैंने कहा कि इसमें अपना ये आज वाला वीडियो भी बन जाएगा। तो हमने कोशिश किया और कोशिश कामयाब रही, इस बात की मुझे भी बहुत खुशी है, क्योंकि आई एम ऑलवेज डाउटफुल कि ये अंदाजे का काम मेरे लिए तो है। जो प्रोफेशनल फ्लूट मेकर्स हैं उनको भी पंचम होल के बारे में, क्योंकि अभी तक प्रचलित नहीं हुआ है तो पंचम होल के बारे में बहुत कन्फ्यूजन है, काफ़ी सारे लोग कतराते हैं और कतराना भी चाहिए, क्योंकि ये अगर बांसुरी बिगड़ गई, ट्यूनिंग बिगड़ गया तो। बट मैं उनको डेफिनेटली प्रोत्साहित करूँगा कि ये कोशिश करें ज़रूर, उनके जो वर्क इन प्रोग्रेस बांसुरियाँ हैं जो वो शायद कभी बेचेंगे ही नहीं, या सिर्फ वो उनके शागिर्दों को सिखाने के वक्त जो यूज़ करते होंगे, ऐसी बांसुरियों में उनको ये पंचम होल के बारे में एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। और ये बेसिक टेक्निक है, वापस दोहराऊँगा, सबसे ऊपर के दो होल्स के सेंटर पॉइंट्स अगर आप देखें तो इसका सेंटर पॉइंट यहाँ है, इसका सेंटर पॉइंट यहाँ है, इसकी डिस्टेंस अगर हो सके तो स्केल या कोई भी मेजरिंग डिवाइस लेके ये सेंटर पॉइंट के ऊपर, मैंने थोड़ा उससे थोड़ा नीचे मार्क किया है, उसका भी कारण वही था क्योंकि हमारा पहला जो अटेम्प्ट था वो पंचम से थोड़ा फ्लैट था। अगर मैं उस पॉइंट पे या उससे थोड़ा ऊपर मार्क करता तो पंचम धैवत बन जाता या शार्प हो जाता, उसकी ट्यूनिंग बढ़ जाती, चढ़ जाती। तो उस रिस्क से सेफ्टी के लिए मैंने उस सेंटर पॉइंट से थोड़ा सा नीचे ये मार्किंग किया है। ये पहला मार्कर हो गया आपका, ये मिट भी सकता है बाद में। इसके बाद आपके रखाव के हिसाब से, अगर आप राइट हैंडेड हैं तो राइट हैंडेड में इसके बिल्कुल पीछे से आगे की तरफ, मतलब सामने की तरफ, अवे फ्रॉम यू। और आप लेफ्ट हैंडेड हैं, इन दिस केस दिस वॉज अ लेफ्ट हैंडेड बांसुरी प्लेयर्स फ्लूट, तो मैंने इसके बिल्कुल नीचे से बाहर की तरफ एक मार्कर बनाया था जो इस बांस में नेचुरली एक लाइन के रूप में मिला मुझे। और इस लाइन पे ये जो लाइन है इसकी एक्सटेंशन यहाँ पे आके होल बनी है। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स है, इसका मेजरमेंट इतना खास कुछ साइंटिफिक क्या कह सकते हैं प्रिसाइज नहीं है, ये अंदाजे से ही हो रहा है मुझसे, तो जहाँ तक मैं मेरी बांसुरी में मैं जो ये कर रहा हूँ। और ये मैंने मेरे चहीते बांसुरी मेकर आनंद धोत्रे जी को भी इस टेक्निक के बारे में बताया, तो मेरे काफ़ी सारे जो क्या कह सकते हैं कि बांसुरी वादक मित्र हैं जो आनंद जी के पास जाके उन्होंने पंचम का होल बनवाया है। बट ये बेसिक सिस्टम है, सो इफ़ यू नो हाउ टू, आपको मैंने होल बर्न करना भी बताया था कि कैसे उसको आग में सेका जाता है, पूरा लाल होना चाहिए वो चीज़, वो जो मेटल रॉड है, और उस पर धीरे धीरे करके उस पर छेद बनानी चाहिए। ये बड़े वाले जो छेद हैं इनके लिए पहले छोटे से शुरू करके फिर उसके बाद उनके पास और भी औज़ार होते हैं जो बड़े नुकीले से शुरू करके इससे थोड़ा छोटा डायमीटर का रॉड होता है, तो वो तो उनका काम है, उनको करने देना चाहिए। जबकि हम आपके अगर ये पंचम होल में आप बहुत उत्सुक हैं जानने के लिए तो ये आप करके देखिएगा। और अगर हल्का सा फ्लैट हुआ जैसे हमारे केस में हुआ था, तो मैंने उसको थोड़ा सा और होल को बड़ा ऊपर की तरफ बड़ा करते करते मैंने उसको एंगल किया था, उसको शेप किया था, तब जा करके ये होल हुआ है। और इसके आगे अगले वीडियो में होपफुली इसके प्रयोग के बारे में भी मैं कुछ बातें बताऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई सी यू सून, थैंक यू सो मच।